हे दोस्तों, स्वागत है आपका मोर देसी रिव्यू यूट्यूब चैनल पे। मैं मुकेश कुमार आज आपके लिए लाया हूँ दोस्तों कंप्यूटर लैपटॉप। जी हाँ दोस्तों, सबका एक सपना होता है कि उनके पास भी एक कंप्यूटर हो, एक लैपटॉप हो। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो ये स्मार्टफोन है वो लैपटॉप में कन्वर्ट हो जाने वाले हैं। दोस्तों सबका एक मन होता है कि दोस्तों उसके पास भी एक कंप्यूटर हो, एक लैपटॉप हो। तो आज की इस वीडियो में, आज इस वीडियो देखने के बाद आपको एक स्मार्टफोन को लैपटॉप में कन्वर्ट करने का तरीका मिल जाने वाला है। दोस्तों बहुत ही गजब का ये एप्लीकेशन है, आप देखने के बाद जरूर से इसको डाउनलोड करोगे, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं, आप डाउनलोड कर ही लोगे। दोस्तों अगर आपने सामने में तो देख ही लिया होगा कि कैसा दिखता है दोस्तों, बहुत ही दोस्तों बिल्कुल जो कंप्यूटर या लैपटॉप की तरह बिल्कुल वैसा ही वर्क करता है दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सभी स्मार्टफोन में ये वर्क करेगी। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी एप्लीकेशन के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे हम अपने स्मार्टफोन को कंप्यूटर में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार चेक कर लीजिए कि आपका नोटिफिकेशन बेल ऑन है कि नहीं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस देख सकते हो हमारा मोबाइल जो है कि बिल्कुल कंप्यूटर की तरह दिख रहा है दोस्तों। आपको इस पे दिस पीसी का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, रिसाइकलिंग बिन भी मिल जाता है दोस्तों, जो सिर्फ लैपटॉप में दिया होता है दोस्तों रिसाइकलिंग बिन। यह दोस्तों जैसे ही आप किसी जो एप्लीकेशन या किसी भी को डिलीट करते हो दोस्तों, वो आप वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है। सो ये कंप्यूटर या लैपटॉप में ही दिया होता है लेकिन आपको इस एप्लीकेशन के अंदर में मिल जाता है दोस्तों, देखिए। और दोस्तों एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत जाने वाली नहीं है। गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों आपको यहाँ पर यूज़र भी देखने को मिल जाता है, यूज़र का ऑप्शन, और दोस्तों उसके बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको बिल्कुल जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, उसी के जरिए उसी की तरह दिखने को मिल जाता है। आपको सबसे जो विंडोज वाला आइकन है उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ पर दिखा है ऑन ऑफ का बटन भी दिया है, और राइट में और बहुत सारे ऑप्शन जो है आपको दिए हैं दोस्तों। ये बिल्कुल दोस्तों ये हमारा लैपटॉप नहीं है, हमारा मोबाइल है। हम आपको सेटिंग पर भी जाकर दिखा देते हैं, देखिए दोस्तों ये हमारा रेडमी का मोबाइल है। अबाउट सेक्शन में जाकर हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारा मोबाइल है रेडमी का, रेडमी नोट 5। सो ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह दोस्तों, बिल्कुल आपको ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लूटूथ वगैरह, वाईफाई वगैरह सब चीज़, बैटरी वगैरह सारे चीज़ें जो है आपको बिल्कुल कंप्यूटर की तरह देखने को मिल जाएंगी। आपको कैलेंडर भी यहाँ पर कंप्यूटर की ही तरह देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आपको एप्लीकेशंस भी यहाँ पर दो चार बहुत सारे, मतलब ना बिल्कुल ये आपको जो मोबाइल है उसको कंप्यूटर में चेंज कर देता है दोस्तों। आपको अगर आपको चलाने का मन है बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद में परचेस करते रहना, क्योंकि दोस्तों आपका ट्रेनिंग भी हो जाएगा, आपको एक आदत जैसा पड़ जाएगा इस तरह का इंटरफेस चलाने का। सो आज की इस वीडियो में यही था। आई होप गाइड वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, साथ ही आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहती है। चलिए हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तो बाय बाय।